चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं, गृह विभाग ने जारी किए हैं आदेश। राज्य में शर्तों के साथ दुकानें खुलने की छूट, गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खोलने की छूट। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में छूट लागू नहीं है। शहरी क्षेत्र में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, हालांकि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और आस पड़ोस की दुकानें खुलेंगी। शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड दुकानों को ही खुलने की अनुमति है। हॉटस्पॉट से जुड़े बाजारों में नहीं खुलेंगी दुकानें। गांव शहरों में हेयर सैलून भी बंद रहेंगे। ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ बेच सकती हैं जरूरी सामान। सभी हॉटस्पॉट इलाकों में यह प्रतिबंध जारी रहेगा। शराब, गुटखा, तंबाकू पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेगी। खेल कॉम्प्लेक्स, थिएटर, बार अब भी रहेंगे बंद। दुकानों में 50% स्टाफ को ही काम करने की छूट है। सोशल डिस्टेंस के साथ दुकान खोलने की अनुमति है। दुकानों में काम करने वाले लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ देश में दुकान खोलने की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने की छूट दी थी। गैर जरूरी सामान की दुकानें खोलने की भी छूट दी गई थी, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब राज्य में भी खुलेंगी शर्तों के साथ गैर जरूरी सामान की दुकानें। हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, यहां पर राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी गाइडलाइन को फॉलो करना भी आसान नहीं होगा। देखिए बिल्कुल अमित, जो लॉकडाउन जो 2 लगाया था उस पर जो संशोधित जो आदेश थे जो गृह विभाग ने जारी किए थे, सुबह केंद्र ने, देर रात जो केंद्र ने, उसके बाद राज्य सरकार ने भी उनमें उन जो संशोधित आदेश है वो जारी किए हैं, और जो गाइडलाइन तय की है गृह विभाग ने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ छोटे जो दुकानदार हैं उनके लिए यहाँ पर छूट की जो सीमा है वो तय की है, और जो राज्य सरकार ने जो शर्तें निर्धारित की है उन शर्तों के अनुकूल यहाँ पर सभी दुकानदार हैं जो निर्धारित मानक तय किए हैं उनके अनुकूल उनको दुकानें खोलनी होंगी। गैर जरूरी सामानों की जो दुकान है उनको लिए भी खोलने के लिए भी यहाँ पर राज्य सरकार ने वो आदेश जारी कर दिए गए। खास बात यह है कि जो आदेश जारी किए हैं इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना को लेकर के जारी किए गए थे उन सबका नियमों को यहाँ पर, मानकों का यहाँ पर पालन करना पड़ेगा, जिसमें शहरी क्षेत्र में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या शॉपिंग मॉल्स हो, ये कोई भी शॉपिंग मॉल्स इस शहरी क्षेत्रों में नहीं खुलेंगे, क्योंकि हॉटस्पॉट जो सेंटर्स हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है, ज्यादा गंभीर बनी हुई है, उन इलाकों में तो बिल्कुल भी इन दुकानों को खोलने के लिए जो आदेश है वो नहीं जारी किए हैं। हालांकि जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जो आसपास के पड़ोस की जो दुकान है वो जरूर खुल सकेंगी। इसके अलावा जो मुख्य जो बात सामने आई है वो ये है कि शॉप एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं उन सभी दुकानों को खोलने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार है उसने यहाँ पर आदेश जारी कर दिए हैं। जो बिल्कुल यादवेंद्र, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है यहाँ पर कि अगर ये जो दुकानें हैं, दुकानदार हैं, अगर ये सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो क्या इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की जाएगी? इस तरीके की बात भी कुछ सामने आई है? बिल्कुल, देखिए ये सभी जो गाइडलाइन है ये जारी करिए इससे पहले, लेकिन जो मुख्य जो गाइडलाइन जारी किया उनके लिए स्पष्ट किया है कि अगर राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं अगर उन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन दुकानों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 188 जो बनाया गया है उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और गाँव में जो शहरों के अंदर जो व्यापारी थे जिनको लेकर के जो गफलत बनी हुई थी इन आदेशों को लेकर के, सुबह देर रात जो आदेश जारी हुए थे, जब सुबह लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा, मीडिया के जरिए जब उनको जानकारी मिली तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी थे वो गफलत में थे कि किन दुकानों को यहाँ पर खोलने के आदेश जारी हुए हैं, किन दुकानों को खोलने के आदेश जारी नहीं हुए हैं। इन सब चीजों को लेकर के देखा गया तो मुख्य बात सामने निकल कर आई कि ज्यादातर दुकानें थी आज जो की त्यों बनी हुई थी, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट कराने का जो काम होता है वो पुलिस का होता है, पुलिस मुख्यालय का होता है, उनको पूरे इन मामलों को एग्जीक्यूट जो कराती है वो पुलिस कराती है। अब स्पष्ट यहाँ पर जो पुलिस मुख्यालय को, यहाँ पर राजस्थान पुलिस को आदेश मिले हैं गृह विभाग से, अब जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है वो पुलिस की बनती है। तो ऐसे में जो गाइडलाइन तय की गई है, जो दुकानदार इन गाइडलाइनों का यहाँ पर पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ अमित कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।
हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ये हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किए थे उन आदेशों को यहाँ पर राज्य सरकार ने भी माना है और आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि सभी हॉटस्पॉट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी, शराब गुटखा तंबाकू पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।